दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को विंडोज 11 का एक लीक्ड वर्जन के बारे में बोलने जा रहा हूँ। मतलब कि इस ये जो वर्जन है, इसको आपको इंस्टॉल करना चाहिए या फिर इसका जो स्टेबिलिटी है उसका क्या है, वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लिक्सन बिट्स। मैं देवाशीष। अगर आप इस चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक करके एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं ऐसे ही कंप्यूटर सर्विस, नेटवर्किंग एंड आईओटी रिलेटेड एडवांस बेसिक एंड लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज बनाता रहता हूँ, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये जो विंडोज 11 है, ये एक्चुअली विंडोज 10 ही है, जिसके ऊपर एक नया शेल चढ़ाया गया है जिसको विंडोज 11 बोल रहे हैं। तो एक्चुअली पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा बोला था कि विंडोज 10 ही विंडोज का फाइनल वर्जन है जिसको वो पीरियोडिकली अपडेट करेंगे। तो लेकिन अभी ये जो विंडोज 11 जो लीक निकल के आया है, और ऐसा न्यूज़ में भी आ रहा है, जैसे कि इंडिया टुडे के इस न्यूज़ में बोला गया है कि 24 जून को माइक्रोसॉफ्ट ये जो वर्जन है विंडोज 11 का, इसको रिलीज कर सकता है। तो ये एक्चुअली पूरा मार्केटिंग थिंग बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये जो है ये अंडर द हुड ये पूरा विंडोज 10 ही है, और ये जो विंडोज 10 है इसका अभी लगभग 6 साल हो चुका है। तो माइक्रोसॉफ्ट इसको एक फ्रेश लुक देना चाहता है, या फिर अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए इस विंडोज 11 को पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपने अगर विंडोज 10X का कोई लीक या फिर जो कोई वीडियो आपने देखा है, तो ये जो विंडोज 11 है इसको देखने से आपको पता चल जाएगा ये एक्चुअली विंडोज 10 के ऊपर विंडोज 10X का जो फीचर्स एंड जो डिज़ाइन एंड जो UI है उसको चढ़ा के ये जो विंडोज 11 है इसको बनाया गया है। इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, इसको अगर आप देखेंगे, ये लगभग विंडोज 10 की तरह ही है। इंस्टॉलेशन का जो पहला पार्ट है वो एकदम विंडोज 10 जैसा ही है, और इसका जो नेक्स्ट सेकेंडरी पार्ट है, सेकेंडरी पार्ट मतलब जहाँ पे यूजर्स को क्रिएट करना होता है, उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है, ये जो पार्ट है इसका जो एनिमेशन है या फिर जो डिज़ाइन है इसको इम्प्रूव किया गया है। मतलब इसका जो डिज़ाइन है उसको बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है। और उसके बाद आप डेस्कटॉप में लॉगिन करने के बाद जो देखेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह का अपीयरेंस आएगा। और ये जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर है, ये बहुत ही खूबसूरत एक वॉलपेपर आ रहा है, देखिए। और यहाँ पे उसके बाद देखिए जो सबसे बड़ा चेंज है, यह है इसका स्टार्ट मेन्यू और इनका पोजिशन। ये देखिए, यह अभी सेंटर में आ चुका है जैसे कि iOS में रहता है। यहाँ पे अगर आप इसको, इनका जो पोजिशन है, इनको आप जैसे कि विंडोज़ 10 और 8 के जैसे आप लेफ्ट में लेके जाना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूंगा आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐप्स हैं, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे ब्लोट ओएस के साथ ये आता है, मैंने उनको एक्चुअली रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आप रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट्स आपने यूज़ किया है या फिर जो प्रोग्राम्स आपने यूज़ किया है वो यहाँ पे आते हैं। अगर आप ऑल प्रोग्राम्स, जैसे कि हमारे विंडोज 10 तक था ऑल प्रोग्राम्स था, तो वो आप यहाँ से आप इसको ऐसे आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज़र का प्रोफाइल रहता है, और यहाँ पे आप इसको शट डाउन या फिर रिस्टार्ट करने के लिए, ये है सर्च करने के लिए, सर्च का स्क्रीन, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। या ये पहले एक्चुअली विंडोज 10 तक ये स्टार्ट मेन्यू के साथ ही आता था। तो ये आप देखने से आपको पता चलेगा, ये जो स्टार्ट मेन्यू है ये एग्जैक्टली विंडोज 10X में जैसा था वैसा ही है। तो विंडोज 10X तो कभी आया नहीं है, उसका जो डेवलपमेंट प्रीव्यू जो है वहाँ पे वो ऐसा देखा गया है। तो अगर आप लोगों ने कहीं पे देखा है तो आपको पता होगा कि विंडोज 10X का जो स्टार्ट स्क्रीन है वो ऐसा ही था, ठीक है। और ये स्टार्ट मेनू है, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसको वर्चुअल डेस्कटॉप या फिर आप बोल सकते हैं वर्क स्पेस, जैसे कि लिनक्स में वर्क स्पेस होता है, मल्टीपल वर्क स्पेस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उनके बीच आप स्विच करके आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं डेस्कटॉप 1 में हूँ, यहाँ पे मैंने इस ऐप, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है इसको मैंने ओपन किया, तो आप दूसरे वर्कस्पेस में स्विच करेंगे तो वो आपको यहाँ पे कहीं पे भी मिनिमाइज भी नहीं दिखेगा, कहीं पे आपको नहीं दिखेगा। मतलब वर्क मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहता है। तो ये आप वापस इसमें जा सकते हैं, और यहाँ से आप इसको अगर कोई नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इनको क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो है, और यहाँ पे आप फाइल एक्सप्लोरर जो है या फिर विंडोज एक्सप्लोरर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये देखिए, यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आइकॉन्स का जो डिज़ाइन है, इनको एक फ्रेश लुक दिया गया है। ये जो आइकॉन्स का कलर है, उसके बाद इनका यहाँ पे जो अपीयरेंस है, ये एकदम फ्रेश लुक के साथ ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, मतलब थोड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है। उसके बाद आप थीम्स में जाएंगे, और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट मेनू है ये अभी राउंडेड कॉर्नर के साथ आता है,
और यहाँ पे एक नया चीज़ है ओपन इन विंडोज टर्मिनल, ये शॉर्टकट यहाँ पे आ रहा है। ये पता नहीं अभी ये जो है ये तो एक्चुअली लीक्ड वर्जन है, ये जो इसका जो फाइनल वर्जन आएगा तब ये रहेगा कि नहीं रहेगा वो मुझे पता नहीं है। तो ये अभी ऐसा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है जो डेवलपमेंट वर्क और प्रोग्रामिंग जो करते हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। देखिए इसका भी एक राउंडेड कॉर्नर के साथ ये विंडो आ रहा है और ये यहाँ पे पावर शेल को ओपन करता है, कमांड प्रॉम्प्ट को नहीं ओपन करता है। और यहाँ पे जितने सारे आप विंडोज़ को ओपन करेंगे सारे विंडोज़ ये सब राउंडेड कॉर्नर के साथ आता है। और सबसे बड़ा चीज़ जो है ये है वो है ये, आप विंडोज़ को ये जितने सारे विंडोज़ को आप ओपन करेंगे, आप मान लीजिए इसको भी ओपन कर दिया आपने, तो इनको आप ऐसे पोजिशन कर सकते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है, ठीक है। ये देखिए इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई दूसरा विंडो भी ओपन करना है उसको भी आप यहाँ से सिमिलर वे में, मान लीजिए कैलेंडर हो गया, कैलेंडर को भी आप यहाँ पे जैसे कि देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पोजीशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आ गया और यहाँ ये आ गया, ये देखिए ये इनको हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, अभी तक विंडोज़ 11 में मुझे सबसे अच्छा यही लगा है। और बाकी जो है वो अपीयरेंस में थोड़ा चेंजेस ही हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे, ये पूरा विंडोज़ 10 वाला जो सेटिंग्स है वही है, ठीक है। यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं है। और यहाँ पे ये जो वॉलपेपर है ये आप बोल सकते हैं विंडोज़ 11 का एक हीरो वॉलपेपर है। इसका डार्क एडिशन भी है, डार्क एडिशन आप देखेंगे तो ये जो डार्क मोड में अगर आप स्विच करेंगे, ये देखिए इसका डार्क एडिशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप अगर यहाँ से आप अगर आप चेंज करेंगे तो ये सिर्फ बैकग्राउंड में ही चेंज होगा, और आप थीम्स में जाके अगर ये जो डार्क थीम है इसको आप सिलेक्ट करने से, ये अभी देखिए ये डार्क बैकग्राउंड के साथ ये आ चुका है। ये अभी देखिए स्टार्ट मेनू भी चेंज हो चुका है, उसका भी कलर चेंज हो चुका है। तो अभी मैं आप लोगों को विंडोज़ का जो ये वर्जन है विंडोज़ 11 इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ये जो वर्जन है ये पूरा विंडोज़ 10 के ऊपर ही बना हुआ है, कुछ कुछ मतलब ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे अभी भी विंडोज़ 10 ही दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप अगर ये जो फाइल एक्सप्लोरर है फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करके दिस पीसी में जाने के बाद दिस पीसी के प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक इंटरनल। यहाँ पे आप अगर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे स्टार्टअप एंड रिकवरी, यहाँ पे देखिए ये अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब बूट लोडर के वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है वो अभी भी विंडोज़ 10 ही है, ठीक है। तो आप अगर कभी बूट लोडर के मेनू में जाएंगे, बूट मेनू में जाएंगे तब आपको ये विंडोज़ 10 ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन ये बोलते हैं कि विंडोज़ 11 है, ये 11 प्रो मैंने इंस्टॉल किया है। इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मैंने जो ये इस वर्जन को एक्टिवेट किया है, मैंने अपने विंडोज़ 7 का जो की है एक्टिवेशन की है उसको यूज़ करके मैंने इसको एक्टिवेट किया है। तो चांसेस ये हैं कि विंडोज़ 7 से विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 के जो यूज़र्स हैं उनको ये फ्री में अपग्रेड मिलेगा इसका। तो ये तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया वो जो बूट मेनू का है, लेकिन आप ऐसे यहाँ पे रन कमांड चला के विनवर चलाएंगे तो विनवर में ये देखिए विंडोज़ 11 दिखा रहा है, विंडोज़ 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए यहाँ पे ये OS का वर्जन ये विंडोज़ 11 ही दिखा रहा है। तो ये अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है और ये पूरा रेडी हुआ नहीं है। जैसे कि मैं और एक मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे टिप्स में जाएंगे, ठीक है। तो टिप्स में जाने के बाद ये देखिए कमिंग सून आ रहा है, इसमें क्लिक करने के बाद ये देखिए विल हैव फ्रेश कंटेंट हियर सून, ठीक है। तो ये अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, या फिर ये जो इमेज मुझे मिला है ये अभी भी ये पूरा अप टू डेट नहीं है। तो अभी जो इसका जो फाइनल वर्जन आएगा, फाइनल वर्जन में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ये बग्गी है एक्चुअली, ये देखिए यहाँ से जो ये डॉक आता है, तो ये डॉक में बहुत सारे मतलब यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट्स जैसे कि वेदर अपडेट्स ये सारे यहाँ पे आएंगे, जैसे कि विंडोज़ 10 में लाइव टाइल्स होते थे वैसे ही ये यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं कर्सर को मूव करने से कर्सर चेंज होता है और यहाँ पे टिक भी आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। तो ये शायद कोई बग है जिसको बाद में फिक्स किया जाएगा। और यहाँ पे मैं क्लिक करने से ये पेज भी ओपन होता है, लेकिन ये जो पैनल है पैनल में कोई कुछ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस में जाएंगे तो नोटिफिकेशन का यहाँ पे भी ये जो आइकन्स हैं ये भी इनको भी चेंज किया गया है।
यहाँ पे ये थोड़ा ये जो है यहाँ पे भी देखिए ये जो टाइल्स हैं ये राउंडेड कॉर्नर के साथ हैं। तो पहले क्या था, पहले जो फ्लैट लुक था, पहले जो स्ट्रैप कॉर्नर के साथ जो विंडोज ओपन होते थे विंडोज 10 में विंडोज 8 में, तो वो यहाँ पे चेंज किया गया है। यहाँ पे टास्क बार का जो सेटिंग है, यहाँ पे राइट क्लिक करने से अभी सिर्फ टास्क बार का ही आता है। पहले क्या था, पहले वो जो टास्क मैनेजर या फिर बाकी बहुत सारे सेटिंग्स के ऑप्शन आते थे, लॉक करने का ऑप्शन आता था, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे अभी ऐसे टॉगल बटन के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए टास्क बार का जो अलाइनमेंट है ये सेंटर में है, ये सारे आइकन्स यहाँ पे आप लेफ्ट में देंगे तो ये सारे लेफ्ट में मूव हो जाएंगे, जैसे कि विंडोज 10 या फिर विंडोज 7 विंडोज 8 में था वैसा ही ये आप लेफ्ट में भी इनको मूव कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये जो सेंटर में है ये मुझे अच्छा लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये अभी जो ट्रेडिशनल विंडोज़ का जो सिस्टम था इसमें से ये थोड़ा डिफरेंट है, तो ये अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है साउंड्स, विंडोज़ का जो साउंड्स हैं उनको पूरा नए तरीके से इनको डाला गया है, ठीक है। जो साउंड इफेक्ट्स हैं जैसे कि आप वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करेंगे, उसके बाद विंडोज़ का जो वेलकम जो म्यूज़िक है वो, उसके बाद बाकी जो भी है विंडोज़ के जो बाकी जितने सारे साउंड इफेक्ट्स होते हैं सब यहाँ पे अपडेट किया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत है। अभी देखते हैं 24th ऑफ जून को क्या होता है। तो ये एक्चुअली विंडोज़ 10 ही है, लेकिन इसको थोड़ा जो इसका जो लुक है इसको थोड़ा चेंज किया गया है। चेंज मतलब इसको थोड़ा और भी अट्रैक्टिव बनाने का कोशिश किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ विंडोज 11 का जो ये लीक्ड वर्जन है ये आप लोगों को पसंद आया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्लिक्स एंड बिट्स को, क्योंकि मैं ऐसे ही कंप्यूटर सर्विस नेटवर्किंग एंड आईओटी रिलेटेड एडवांस बेसिक एंड लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज बनाता रहता हूँ, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर और भी रिलेटेड वीडियो शो हो रहे होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।